दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Binance से जो है Bitget में USDT को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आप लोग भी जो है Binance से Bitget में USDT को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कैसे आप लोग कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ जो है यहाँ पर Binance से मैं USDT को Bitget में जो है ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ Bitget वॉलेट में। तो कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा A to Z। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है Bitget जो है ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना। जैसे आप लोग Bitget को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है रिसीव का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे आएंगे क्रिप्टो। अब आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है इथेरियम का, आप लोग देख सकते हो इथेरियम पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इथेरियम से हटा के इसको यहाँ पर ऑल मेन नेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिख रहा है ऑल मेन नेट्स, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग सेलेक्ट कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर सर्च में टोकन दिख रहा है, यहाँ पर सर्च में आपको यहाँ पर सर्च करना है USDT। USDT सर्च करने के बाद आपको USDT के काफ़ी सारे नेटवर्क एड्रेस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एड्रेस दिख रहा है BNB चेन मेन नेट में, ये वाला USDT का लास्ट में 955 है। तो आपको क्या करना है, ये वाला नेट ये एड्रेस दिख रहा है USDT दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है BNB का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो आपको लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो USDT का रिसीविंग एड्रेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये वाला कॉपी कर लेना है BNB USDT का, ये एड्रेस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको जो है Binance को ओपन कर लेना है। Binance को ओपन करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से Binance ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा जितना भी होगा, मेरा आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है नीचे वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में नीचे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा आपका टोटल बैलेंस, यहाँ पर जो है दिख जाएगा जितना भी होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर विड्रॉ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हो यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इसी पर आपको दोस्तों जो है क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला है विड्रॉ का, दूसरा P2P ट्रेडिंग का। तो आपको विड्रॉ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो काफ़ी सारे यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस स्क्रिप्ट आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर भी जो है USDT सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है आपको USDT, तो आपके सामने यहाँ पर जो है USDT आ जाएगा। उसके बाद आपके जो भी बैलेंस होगा वो आपको दिख जाएगा। तो मेरे पास $22 है, 22 USDT है। तो आपको क्या करना है, USDT वाले पर आपको क्लिक करना है। तो अपन मैं USDT पर क्लिक करता हूँ, तो आपके पास भी अगर USDT होगा तो आपको क्या करना है, USDT पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पर सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपने जो Bitget में जो रिसीविंग एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पर लगा आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वहाँ पर जो वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर लगा आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको नेटवर्क में क्या करना है, आपने जो नेटवर्क एड्रेस वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था BNB स्मार्ट चेन, तो आपको क्या करना है, BNB स्मार्ट चेन वाला ये एड्रेस आपको सेलेक्ट करना, गलत नहीं करना, वरना आपका जो क्रिप्टो है वो लॉस हो जाएगा, सारा आपका पूरा पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो आपको जो है सही सेलेक्ट करना था। तो मैं BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने BNB का नेटवर्क वहाँ पर जो है रिसीविंग एड्रेस सेलेक्ट किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट में दिख रहा है, इसमें आप लोग मिनिमम $10 विड्रॉ कर सकते हो, 10 से कम नहीं कर सकते। तो अमाउंट में आपको 10 USDT डाल देना। अगर आपके पास 10 USDT नहीं है तो आप लोग पहले इस USDT बाय कर लेना Binance में, उसके बाद आप लोग यहाँ से विड्रॉ कर लेना। 10 USDT से कम आप लोग नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास 10 से कम है तो आप लोग मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले रहे हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मेरे पास 10 USDT मैंने अमाउंट डाल दिया। 10 USDT अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर विड्रो का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको जो है 9.9 USDT रिसीव होगा और 0.1 USDT इसमें नेटवर्क फीस लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है कन्फर्म। जैसे आप लोग कन्फर्म कर दोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा दोस्तों, जहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो आपके सामने इस तरीके से आएगा, सिक्योरिटी वेरीफिकेशन करने को बोलेगा। तो आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उसमें आपको एक यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उसमें आपको एक वेरीफिकेशन कोड मिलेगा, कोड रहता है उसमें, वो कोड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेटर ऐप को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं जो है कोड डाल देता हूँ, जो कोड यहाँ पर मुझे जो है ऑथेंटिकेटर मिला है, तो यहाँ पर मैं कोड जो है पहले डाल देता हूँ। तो आपको इस तरीके से ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके
या फिर आपकी जीमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोड डाल दिया तो मेरा पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा ईमेल है तो इस पर भी आपको क्लिक करना है और आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर जो एंटर कर देना है। तो मैंने कर दिया तो सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया। अब मैं देख सकता हूँ विड्रॉ प्रोसेसिंग में थोड़ी देर बाद, मतलब 10 से 20 सेकंड में विड्रॉ यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल होते ही जो है यहाँ पर जो 10 USDT है वो मेरे बिटगेट वॉलेट में चले जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग में, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे आप लोग वेट कर लोगे तो आपका जो है मतलब 10 से 20 सेकंड बाद आपका जो 10 USDT है वो जो है बिटगेट वॉलेट में आपको मिल जाएगा। तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है बिटगेट वॉलेट को ओपन करके। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो है 9.9 USDT रिसीव हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे बिटगेट वॉलेट में। तो इस तरीके से आप लोग जो है बाइनेंस से जो है बिटगेट में USDT को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।